हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आप एमएससी फाइनल ईयर में कंटिन्यूम मैकेनिक्स की यूनिट नंबर सेकंड कर रहे थे और इसमें इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल लगभग हो चुके हैं। आज और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल देखेंगे, एक या दो वीडियो और बनेंगे इस पर, तो फिर आपके इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाएंगे। और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल कंप्लीट होने के साथ ये यूनिट भी आपके कंप्लीट होगी, फिर हम नेक्स्ट यूनिट पढ़ेंगे जो सिमिलरली इसी यूनिट पर बेस्ड है। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारे अदर एग्जाम्पल, देखिए क्या क्या हैं, छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल है द स्ट्रेस टेंसर एट पॉइंट पी इज गिवन बाय सिग्मा आई इज इक्वल सेवन माइनस फाइव जीरो माइनस फाइव थ्री वन जीरो वन टू डिटरमाइन द स्ट्रेस वेक्टर ऑन द प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट पी एंड पैरेलल टू द प्लेन एबीसी एज शोन इन द फिगर। क्या बोला है, द स्ट्रेस टेंसर एट पॉइंट पी, स्ट्रेस टेंसर किस पॉइंट पर, पी पर, ठीक है, इज गिवन बाय, क्या गिवन होती है, सिग्मा आई जी की वैल्यू सेवन माइनस फाइव जीरो माइनस फाइव थ्री और वन जीरो वन और टू, यानी स्ट्रेस टेंसर एट पॉइंट पी, स्ट्रेस टेंसर एट पॉइंट पी पर क्या गिवन है, सिग्मा आई जी की वैल्यू सेवन माइनस फाइव जीरो माइनस फाइव थ्री और वन और जीरो वन और टू। अब क्या बोला है, डिटरमाइन द स्ट्रेस वेक्टर, स्ट्रेस वेक्टर डिटरमाइन करना है ऑन द प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट पी, जो पी से होता हुआ गुजरता है जो पाथ, ठीक है, एंड पैरेलल टू द प्लेन ए बी सी के पैरेलल हो एज शोन इन द फिगर। अब देख लो फिगर कैसा है, ये वाई टू है, ये y1 है, ठीक है, ये पॉइंट P है, ये y3 है, ये 2, 4, 6 है, 2, 4 और 6। अब देखिए द इक्वेशन ऑफ द प्लेन ए बी सी इन इंटरसेप्ट फ्रॉम इंटरसेप्ट इज गिवन एज कैसे गिवन होगी, y1 वन अपॉन में फोर प्लस वाई टू अपॉन में टू प्लस वाई थ्री अपॉन में सिक्स इक्वल वन, दैट इम्प्लाइज ये आएगी थ्री वाई वन प्लस सिक्स वाई टू प्लस टू वाई थ्री इक्वल ट्वेल्व। अब देखो यूनिट नॉर्मल टू द प्लेन
एन आई इज गिवेन एज, एन आई की वैल्यू है 3/7, 6/7, 2/7। देखिए यहाँ बोलिए क्वेश्चन के एग्जाम्पल क्या है, द स्ट्रेस टेंसर एट पॉइंट पी इज गिवन बाय सिग्मा, आई जे की वैल्यू कितनी है 7-5, 0-5, 3 और 1, 0, 1 और 2। डिटरमाइन द स्ट्रेस वेक्टर, स्ट्रेस वेक्टर हमें फाइंड आउट करना है ऑन द प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट पी, जो प्लेन पास थ्रू होता है पी से, एंड पैरेलल टू द ए बी सी, प्लेन ए बी सी के पैरेलल है, एज शोन इन द फिगर। फिगर में शो किया है y1, y2, y3, ये वैल्यू पी है पॉइंट, ये वैल्यू वाई टू के लिए 2 है और वाई थ्री के लिए 6 है और वाई वन के लिए कितनी है 4 है। तो द इक्वेशन ऑफ द प्लेन ए बी सी इंटरसेप्ट इज गिवन एज, कैसे गिवन होगी, वाई वन के लिए कितना है पार्ट, कितना है 4 आएगा अपॉन में, वाई टू के लिए कितना है 2 आएगा। यही आपको मतलब इंटरसेप्ट अगर इक्वेशन होती है तो यही फॉर्मूला होता है जो 12th क्लास में आपने पढ़ा है, y3/c यानी y1/a, तो वही फार्मूला है 3y1 square। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3y1 + 6y2 + 2y3 = 12। अब यूनिट नॉर्मल टू द प्लेन एन आई की वैल्यू निकालोगे तो 3y7 आएगा, फिर 6y7 आएगा, फिर 2y7 आएगा। अब यहाँ तक का आप स्क्रीन शॉट लो, फिर हम आगे का पार्ट पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं आगे का। अब देखिए इसमें निकालना क्या था, एन आई निकाल लिया, अब सिग्मा आई निकालना है, तो सिग्मा आई बराबर क्या होगा एन जे सिग्मा आई जे, तो निकाल लो सिग्मा आई इक्वल कितना आएगा, डायरेक्ट लिख देती हूँ मैं 3/7, 6/7 एंड 2/7, और यहाँ पर आएगा 7-5, 0-5, 3, 1, 0, 1, 2। तो मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा 1/7 -9, 5, 10। सिग्मा आई इक्वल कितना आया, -9/7 इवन वेक्टर प्लस 5/7 ई टू वैक्टर प्लस में 10/7 ई थ्री वैक्टर, ये आपका आंसर हो गया। अब हम बात करेंगे अगले एग्जाम्पल की, तो आप इसका स्क्रीन शॉट ले फिर हम अगला एग्जाम्पल पढ़ते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे बढ़ेंगे। देखिए एग्जाम्पल है द स्टेट ऑफ स्ट्रेस, द स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट ए पॉइंट इज गिवन विद रिस्पेक्ट, इज गिवन विद रेस्पेक्ट टू कार्टेशियन एक्सिस, कार्टेशियन एक्सिस वाई आई एज सिग्मा आई जे इक्वल 2-2, 0 -2√2, 0 0, 0 -√2। डिटरमाइन स्ट्रेस टेंसर सिग्मा आई जे डैश फॉर द रोटेटेड प्राइम्ड एक्सिस,
प्राइम्ड एक्स इज वाई आई डैश रोटेटेड प्राइम्ड एक्सिस वाई आई डैश रिलेटेड टू द अनप्राइम्ड एक्सिस वाई आई बाय द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन बाय द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ए इक्वल कितना है 0 1 बाई रूट टू 1 अपॉन में 2 माइनस 1 अपॉन में रूट 2 1/2 माइनस 1 अपॉन में 2। देखिए क्या बोला है, द स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट ए पॉइंट इज गिवन विद द रिस्पेक्ट टू द कार्टिजन एक्सिस वाई आई की वैल्यू गिवन है एज सिग्मा आई जे के रूप में 2 माइनस 2 0 माइनस 2 रूट में 2 0 और 0 0 माइनस रूट 2। डिटरमाइन स्ट्रेस टेंसर, स्ट्रेस टेंसर हमें फाइंड आउट करना है, सिग्मा आई जे डैश की वैल्यू फाइंड आउट करनी है स्ट्रेस टेंसर में फॉर द रोटेटेड प्राइम्ड एक्सिस, रोटेट हो रहा है प्राइम्ड एक्सिस के अकॉर्डिंग एंड वाई आई डैश रोटेटेड प्राइम्ड एक्सिस वाई आई डैश रिलेटेड टू द अनप्राइम्ड एक्सिस, रिलेट करता है अनप्राइम्ड एक्सिस वाई आई से बाय द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स के थ्रू आउट। वाई आई डैश किससे रिलेट करता है, वाई आई से रिलेट करता है ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स एक कॉल कितना है 0 1/√2 1/√2 1/√2 1/2 माइनस 1/2 और -1/√2 1/2 माइनस 1/2। ये आपका एग्जाम्पल है। अब देखिए हम एग्जाम्पल में सॉल्यूशन में बढ़ते हैं, तो सॉल्यूशन एकदम इजी है, ठीक है, सॉल्यूशन इजी है। द ट्रांसफॉर्मेशन लॉ इज गिवन बाय, तो देखो कितना इजी क्वेश्चन है, ऐसे इजी कुछ नहीं हो सकता, क्वेश्चन इतना बड़ा चढ़ा के लिख रखा है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। द ट्रांसफॉर्मेशन law is given by sigma I j dash equal है ए आई पी ए जे क्यू सिग्मा पी क्यू, तो सिग्मा I j dash इस तरीके से लिख दूँ मैं, तो यहाँ लिख दूँगी ए आई पी सिग्मा पी क्यू और ए क्यू जे लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन है, ये भी इंडेक्स आपस में चेंज हो जाएंगी, कोई भी वैल्यू चेंज नहीं मानी जाएगी, या ये कहें कि इसका ट्रांसपोज कौन सी होती है वैल्यू, ये वाली वैल्यू होती है, तो वही चीज़ हमने लिख दी है। अब हम आगे सॉल्व करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लें। तो देखिए आगे सॉल्व करते हैं तो दैट इम्प्लाइज सिग्मा आई जे डैश इक्वल 0 1/√2 1/√2 1/√2 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/√2 1/2 माइनस 1/2। आगे देखो 2 माइनस 2 0 माइनस 2 रूट 2 0 0 0 माइनस रूट 2। और फिर क्या है 0 1/√2 माइनस 1/√2
वन बाई टू और फिर अगेन है वन बाई रूट टू माइनस वन बाई टू। तो सिग्मा आई जे की वैल्यू आएगी 0 0 2 जीरो वन माइनस रूट टू माइनस वन वन प्लस रूट टू, ये आ गया आंसर। यानी द ट्रांसफॉर्मेशन लॉ इज गिवन बाय, ट्रांसफॉर्मेशन लॉ क्या गिवन होती है, सिग्मा आई जे डैश इक्वल ए आई पी ए जे क्यू सिग्मा पी क्यू। सिग्मा आई जे डैश इक्वल कितना होगा ए आई पी सिग्मा पी क्यू ए क्यू जे। अब सिग्मा आई जे डैश निकालेंगे तो 0 1/√2 1/√2 1/√2 ये वैल्यू है, और उसका इसका ट्रांसफॉर्मेशन वो लिखा है। अब ये सिग्मा आई जे बीच में आपको सिग्मा पी क्यू या सिग्मा आई जे गिवन था, और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया 0 0 2 0 1 √2 -1 2 -1 1 + √2। अब यहाँ तक स्क्रीन शॉट लें, फिर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पर बढ़ते हैं। छोटे छोटे एग्जाम्पल आ रहे हैं तो आप स्क्रीन शॉट लें। चलिए अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल है शो दैट द स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन लॉ लॉ मे बी derived from equation sigma i j n j expressing the normal stress sigma n on an arbitrary plane having the unit normal vector ni। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम, क्या बोला है, शो दैट द स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन लॉ मे बी ड्राइव्ड फ्रॉम इक्वेशन। शो करना है ट्रांसफॉर्मेशन लॉ क्या है, किससे ड्राइव्ड होता है, सिग्मा एन बराबर सिग्मा आई जे एन आई एन जे एक्सप्रेसिंग द नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एन ऑन एन आर्बिटेरी प्लेन हैविंग द यूनिट नॉर्मल वैक्टर एन आई। यूनिट नॉर्मल वैक्टर कितना है एन आई है। तो स्क्रीन शॉट सॉरी अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए थोड़ी सी लाइन लिखनी पड़ेगी हमें इसमें, सॉल्यूशन है देखिए। सिंस नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एन इज जीरो ऑर्डर, कैसे ऑर्डर का है, जीरो ऑर्डर का है, जीरो ऑर्डर टेंसर, सो इट इज
सेम विद रिस्पेक्ट टू एन आर्बिट्रेरी सेट ऑफ प्राइम्ड और अनप्राइम्ड एक्सिस। तो सिग्मा एन इक्वल कितना है, सिग्मा आई जे डैश एन आई डैश एन जे डैश इक्वल में सिग्मा आई जे एन आई एन जे इक्वेशन नंबर वन दे दो यूजिंग एन आई डैश इक्वल ए आई जे एन जे इक्वेशन नंबर टू वी हैव सिग्मा एन इक्वल सिग्मा आई जे डैश एन आई डैश एन जे डैश इक्वल में कितना आएगा सिग्मा आई जे डैश ए आई पी ए जे क्यू एन पी यू एन पी एन क्यू इक्वेशन नंबर थ्री इंट्रोड्यूसिंग न्यू डमी इंडिसीज सिग्मा एन इक्वल देखिए क्या है सिग्मा पी क्यू पूरा ट्रांसफॉर्मेशन पर है तो इसे गौर से देखिएगा फ्रॉम इक्वेशन थ्री एंड फोर क्या होगा सिग्मा आई जे डैश ए आई पी एन पी ए जे क्यू एन क्यू इक्वल सिग्मा पी क्यू एन पी एन क्यू। देखिए शो दैट द ये बोला था सो दैट द स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन लॉ मे बी ड्राइव्ड फ्रॉम इक्वेशन किस इक्वेशन से ड्राइव्ड होता है सिग्मा एन बराबर सिग्मा आई जे एन आई एन जी एक्सप्रेसिंग द नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एन एक्सप्रेस करना है नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एन को ऑन एन आर्बिट्रेरी प्लेन किसी आर्बिट्रेरी प्लेन पर हैविंग द यूनिट नॉर्मल वेक्टर एन आई यूनिट नॉर्मल वेक्टर कितना है एन आई। अब देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन में क्या है नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एन इज जीरो ऑर्डर टेंसर सिग्मा एन क्या है नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एन क्या है जीरो ऑर्डर स्ट्रेस टेंसर है सो इट इज़ द सेम विद रिस्पेक्ट टू एन आर्बिट्रेरी सेट ऑफ प्राइम्ड एंड और अनप्राइम्ड एक्सिस। ये प्राइम्ड और अनप्राइम्ड एक्सिस पर क्या है आर्बिट्रेरी सेट है सिग्मा एन बराबर सिग्मा आई जे डैश एन आई डैश एन जे डैश और एन आई डैश एन आई एन जे डैश जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो लोकल फॉर्म के इक्वल माना जाता है ट्रांसफॉर्मेशन में यही हो जाता है इक्वेशन वन आगे से। अब यूजिंग एन आई डैश बराबर ए आई जे एन जे इक्वेशन नंबर टू वी हैव सिग्मा एन की वैल्यू आई सिग्मा आई जे डैश एन आई डैश एन जे डैश इक्वल में सिग्मा आई जे डैश और यहाँ पर वैल्यू रखोगे एन आई को चेंज करोगे तो ए आई पी ले लिया एन जे को चेंज करोगे तो ए जे क्यू ले लिया इस तरीके से ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है ये रख दिया यूज़ किया तो इक्वेशन नंबर थ्री आ गई। अब इंट्रोड्यूसिंग न्यू डमी इंडिसेस डमी इंडिसेस दूसरी भी हम ले सकते हैं तो सिग्मा एन बराबर सिग्मा पी क्यू एन पी एन क्यू ले लिया। अब देखो एन पी एन क्यू लिया तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर थ्री एंड फोर से हम क्या बोल रहा इसके वैल्यू देखो ये वैल्यू गिवन है ये ऑलरेडी लिख दी और ये सिग्मा एन की वैल्यू क्या ली है सिग्मा पी क्यू एन पी एन क्यू तो सिग्मा पी क्यू एन पी एन क्यू इक्वल में क्या है सिग्मा आई जे डैश ए आई पी ए जे क्यू एन पी एन क्यू। अब इन दोनों को हम एक साइड में लेके आएंगे और माइनस करेंगे और वैल्यू ट्रांसफॉर्मेशन के निकालेंगे स्क्रीन शॉट लें। चलिए तो आगे बढ़ते हैं
सिग्मा 3 एंड 4, ठीक है, ये वैल्यू आई। अब यहाँ से देखिए, दैट इम्प्लाइज क्या आएगा, सिग्मा आई जे डैश ए आई पी ए जे क्यू माइनस सिग्मा पी क्यू एन पी एन क्यू इक्वल 0, सिंस डायरेक्शन ऑफ अनप्राइम्ड एक्सिस आर आर्बिटरी। एक्सिस कैसे हैं, आर्बिट्रेरी है। सो कौन सी वैल्यू 0 होगी, ब्रैकेट की वैल्यू 0 होगी, यानी कि सो सिग्मा आई जे डैश ए आई पी ए जे क्यू माइनस सिग्मा पी क्यू इक्वल 0, हैंस वी ऑब्टेन ट्रांसफॉर्मेशन लॉ फॉर स्ट्रेस टेंसर एज सिग्मा पी क्यू इक्वल सिग्मा आई जे डैश ए आई पी ए जे क्यू। देखिए क्या होगा, ये वैल्यूज हम इधर ले आए तो हमारे पास में आ गया सिग्मा आई जे डैश ए आई पी ए जे क्यू माइनस सिग्मा पी क्यू एन पी एन क्यू इक्वल 0, सिंस डायरेक्शन ऑफ अनप्राइम्ड एक्सेस आर आर्बिटेरी। सो ये वैल्यू देखो, एन पी एन क्यू की वैल्यू 0 नहीं होगी क्योंकि डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन है तो ये वैल्यू क्या होगी, ब्रैकेट की वैल्यू 0 होगी। तो सिग्मा आई जे, हैंस वी ऑप्टेंड ट्रांसफॉर्मेशन लॉ, यहाँ पर ऑप्टेंड होता है ट्रांसफॉर्मेशन लॉ फॉर स्ट्रेस टेंसर। तो सिग्मा पी क्यू की वैल्यू निकाल दो, कितनी आ गई, सिग्मा आई जे डैश आ गई ए आई पी ए जे क्यू आ गई, यही क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशन लॉ। तो ये इट इज़ ट्रू फॉर ट्रांसफॉर्मेशन लॉ। स्क्रीनशॉट लें आप। तो देखिए, आज इस वीडियो में हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट और एग्जांपल किए हैं, अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके अदर इंपॉर्टेंट एग्जांपल और देखेंगे। आप लास्ट वीडियोस ज़रूर देख लें, उनमें हमने यूनिट 2 लगभग कंप्लीट कर रखी है, और शुरू की जो पार्ट्स हैं उनको ज़रूर ज़रूर देख लें। थैंक यू सो मच।